एक बार फिर हाजिर हूं मैं आप सभी के सामने आपके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा लेकर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हार्ड वर्क के बारे में। आप लोग के एग्जाम नजदीक आने वाले हैं, अब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस टाइम पीरियड में आपको करना क्या है। क्या एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क ही बहुत है? क्या हार्ड वर्क के दम पर ही हम अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? ये सारे जो सवाल हैं फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो के एंड में सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं करूंगी एक कहानी के साथ। ये कहानी आपको मुझको बहुत कुछ सिखा के जाने वाली है और आपको पता चल जाएगा कि ये कहानी आपको क्या सिखाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी कहानी के साथ। फ्रेंड्स, एक गाँव में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहा करते थे। उनके पास बिजनेस प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन समय के साथ जो है वो काफी बीमार रहने लगे थे। इसीलिए वो सोच रहे थे कि क्यों ना अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों को दे दी जाए। लेकिन फ्रेंड्स, वो जो अमीर व्यक्ति थे वो चाहते थे कि उनकी प्रॉपर्टी उनके केवल एक ही बेटे को दी जाए, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ एक ही बेटा बनेगा और दूसरा बेटा जो है उनकी हेल्प के लिए रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अब वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि दोनों बेटों में से कौन ज्यादा कैपेबल है उनकी प्रॉपर्टी का मालिक बनने के लिए, कौन ज्यादा योग्य है। तो उन्होंने फ्रेंड्स एक आइडिया लगाया और दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उनसे कहा कि मैंने जो शहर के बाहर 5 एकड़ जमीन खरीदी हुई है, उस जमीन पर मैंने लोहे के बॉक्स में कुछ धन जो है वो गाड़ कर रख दिया है। अब तुम दोनों में से जो धन मेरे पास लेकर आ जाएगा वही मेरी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। दोनों बेटों को बात समझ में आ गई। अगले दिन से दोनों ने ही काम शुरू कर दिया। जो अमीर व्यक्ति के बड़े बेटे थे उन्होंने उस खेत में जाकर खुदाई करना शुरू कर दिया। वो सुबह जल्दी ही पहुंच गए और वहां पर उन्होंने खुदाई करना शुरू कर दिया। लेकिन जो छोटा बेटा था वो वहां पर नहीं गया, वो उस दिन घर पर ही रहा। और बड़े बेटे ने वहां खूब मेहनत की, पूरे दिन मेहनत की और खुदाई करता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, तो वो वापस आ गया। उसके बाद दूसरे दिन वो थोड़ा देर से वहां पर पहुंचा। थोड़ा देर हो गई क्योंकि वो पहले दिन की मेहनत से बहुत थक गया था, इसलिए दूसरे दिन वो थोड़ा देर से वहां पर पहुंचा और उसने फिर से वहां पर खुदाई शुरू कर दी। लेकिन फ्रेंड्स, उसे दूसरे दिन के हार्ड वर्क के बाद भी उसे वहां पर कुछ नहीं मिला। जब वो इतने हार्ड वर्क के बाद घर पहुंचा दूसरे दिन, तो उसने देखा कि उसका जो छोटा भाई है वो कागज पर कुछ लिखे जा रहा था। तो उसने ध्यान नहीं दिया कि ये पता नहीं क्या कर रहा है। उसके दिमाग में सिर्फ उस टाइम वो चीज चल रही थी कि मुझे अगले दिन दोबारा जाना है और वहां पर खुदाई करनी है। फ्रेंड्स, वो फिर अगले दिन पहुंचा। तीसरे दिन वो फिर खुदाई के लिए पहुंचा, लेकिन उसके तीसरे दिन जो है उसका छोटा भाई भी वहां पर पहुंचा। उसके हाथ में एक कागज था और उस कागज को देखकर उसने एक पर्टिकुलर जगह पर खुदाई करना शुरू किया। और फ्रेंड्स, केवल 3 घंटे की मेहनत के बाद उसे जो है वहां पर एक लोहे का बॉक्स मिला जिसमें वो धन था। उसी टाइम पर फ्रेंड्स, वहां पर जो अमीर व्यक्ति थे वो आ गए और वो देखकर बड़े ही खुश हुए। लेकिन जो बड़ा बेटा था वो देखकर काफी शॉक था कि मैं 3 दिन से मेहनत कर रहा हूँ, 3 दिन से यहाँ पर खुदाई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, और इन्हें केवल 3 घंटे की मेहनत के बाद ही ये बॉक्स मिल गया। ऐसे कैसे पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल? तो फ्रेंड्स, उसने अपने भाई से पूछा कि तुमने ऐसा किया कैसे। उसने कहा कि भैया, जब आप यहाँ पर खुदाई कर रहे थे तो मेरे मन में भी यही चीज आई थी कि मैं भी यहाँ पर खुदाई करूं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल ये भी आया कि यहाँ पर इतनी बड़ी जगह है और इतनी बड़ी जगह को खोदकर उसमें से सामान निकालना इतनी आसान बात नहीं है। इसीलिए मैं अपने साथ, जिस दिन आप थोड़ा देर से आए थे उस दिन मैं अपने साथ यहाँ पर एक इंजीनियर को लेकर आया। उस इंजीनियर ने यहाँ की सारी चीज़ों को देखने के बाद अपनी मशीन से पता लगाया कि वो लोहे का बॉक्स कहाँ पर हो सकता है, और फिर मैंने मैप तैयार किया और मैप में उस जगह को पॉइंट आउट किया, और उसके बाद तीसरे दिन मैंने यहाँ पर खुदाई करना शुरू कर दिया और आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो यानी कि अब उन अमीर व्यक्ति को जो है अपनी प्रॉपर्टी के लिए एक ओनर मिल चुका था, एक ऐसा ओनर जो वाकई उसके काबिल था। फ्रेंड्स, ये छोटी सी स्टोरी बहुत कुछ सिखा देती है। ये स्टोरी फ्रेंड्स हमें ये बताती है कि केवल हार्ड वर्क ही सब कुछ नहीं होता है। हम सब ये जानते हैं कि आज की इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। लेकिन फ्रेंड्स, उसके लिए कुछ प्लान, कुछ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का टाइम हार्ड वर्क
प्लस स्मार्ट वर्क इज इक्वल्स टू सक्सेस का टाइम है। खाली हार्ड वर्क से हम लोग सक्सेस नहीं पा सकते। जिन्हें सक्सेस की डिजायर होती है वो लोग हार्ड वर्क भी करते हैं और साथ में स्मार्ट वर्क भी करते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टोरी हमें ये चीज जरूर और अच्छे से बता देती है कि हार्ड वर्क तो करो, लेकिन उसका सही डायरेक्शन आपके पास होना चाहिए कि आप हार्ड वर्क कहां पर कर रहे हैं। इस स्टोरी से फ्रेंड्स मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूं कि अब आपके पास जो टाइम बचा है वो ज्यादा नहीं है, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हार्ड वर्क के साथ फ्रेंड्स स्मार्ट वर्क कीजिए, अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए। ये नहीं है कि आप अपने सामने 10 बुक्स खोलकर बैठ गए और 10 बुक में से एक 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 क्वेश्चन आप सब में से करने लगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है कि 10 बुक में से आप अपने लिए अलग अलग क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं। इससे बेटर फ्रेंड्स ये है कि आप एक पर्टिकुलर टीचर जिसे आप फॉलो करते हैं, जिसे पूरे साल आप फॉलो करते आए हैं, उसे इस टाइम पर जरूर फॉलो कीजिए, चाहे वो आपके स्कूल टीचर हो या फिर आपके आरबी सर हो, कोई भी टीचर हो आप उसे रेगुलर फॉलो कीजिए जिसे आप पूरे साल फॉलो करते आए हैं। रही बात फ्रेंड्स टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सर आपको रोज काफी सारी चीजें बताते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जब तक आप अपने टीचर की बात मानना नहीं सीखेंगे तब तक यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अपने टीचर की बात मानना सीखिए, आपके टीचर आपसे क्या कहते हैं, आपको क्या करने के लिए बोलते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। और फ्रेंड्स टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि आप डिफरेंट बुक्स की जगह पर केवल एक बुक से ही क्वेश्चन करें। जैसा कि सर भी कहते हैं कि 10 बुक्स को एक बार मत कीजिए, एक बुक को 10 बार कीजिए, ताकि आपको हर चीज एकदम प्रॉपर से आए। इसीलिए फ्रेंड्स आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स की जगह एक सैम्पल पेपर ले सकते हैं। उस सैम्पल पेपर में से फ्रेंड्स आप डिफरेंट तरीके क्वेश्चंस, आपको जब आपके टीचर ने इतनी मेहनत करके आपके लिए बनाए हैं तो आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, अपनी मेहनत जो है वो केवल एक ही जगह पर लगाइए ना। 10 जगह पर ढूंढने में अपना टाइम, अपनी मेहनत, अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है। आपके टीचर ने आपके लिए इतनी मेहनत की है तो उस एक सैंपल पेपर को आप पूरी ऑनेस्टी के साथ सॉल्व कीजिए और यकीन मानिए कि आपकी प्रैक्टिस पहले से 10 गुना बेहतर होगी। फ्रेंड्स आज मेरा यहाँ पर आने का मोटिव आपको सिर्फ इतना बताना है कि आप अपने टाइम का यूज बहुत ही अच्छे से कीजिए। 10 बुक्स में मत भागिए, इधर मत भागिए, उधर मत भागिए। जिसको पूरी साल फॉलो किया है उसे अब इस टाइम पर जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वही इकलौता टीचर है जो आपको राइट डायरेक्शन दिखा सकता है। आपके हार्ड वर्क को राइट डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके टीचर्स दिखा सकते हैं, और वो टीचर जिसे आपने पूरी साल फॉलो किया है। फ्रेंड्स आरबी क्लासेस के सैंपल पेपर के बारे में तो आप सभी ने देख ही लिया होगा, सुन भी लिया होगा। आज मैं आपको बताती हूँ कि आरबी क्लासेस का सैंपल पेपर आपके लिए क्यों बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स हमें हर चीज का प्रूफ चाहिए होता है, आज भी मैं आपको इसका एक सोशल प्रूफ जरूर देना चाहूंगी। फ्रेंड्स आरबी क्लासेस के जो सैंपल पेपर बने हैं वो पिछले साल बच्चों ने सॉल्व किए थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट के, हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं उन्होंने सॉल्व किए थे, और फ्रेंड्स 80-90% बच्चों के मार्क्स जो हैं 85 अबव आए थे। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि ज्यादातर बच्चों के मार्क्स जो हैं 80-85 अबव आए थे। ये तो हुआ फ्रेंड्स सोशल प्रूफ। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे जो सैंपल पेपर्स हैं उसमें सभी सॉल्यूशन हैंड रिटन पीडीएफ में आपको दिए गए हैं, यानी कि आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो आप आसानी से जाकर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगर आपको हैंड रिटन भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो फॉर्मेट भी जाके दे सकते हैं। इतना सब कुछ फ्रेंड्स एक सैंपल पेपर में मिलना बहुत मुश्किल है, और बच्चों के जो कमेंट्स आ रहे हैं कि ओसवाल का सैंपल पेपर 100 रुपीस का है और जो बाकी सैंपल पेपर्स हैं वो 60-70 रुपीस के हैं, तो फ्रेंड्स आपको उन सैंपल पेपर्स में और आरबी क्लासेस सैंपल पेपर में अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जो चीज़ आरबी क्लासेस आपको दे रहा है, जो सैंपल पेपर्स आरबी क्लासेस आपको दे रहा है, यकीन मानिए पूरे मार्केट में आपको वो सैंपल पेपर कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। हैंड रिटन सॉल्यूशन, वीडियो फॉर्मेट सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको एक ही सैंपल पेपर में मिल रही हैं। और फ्रेंड्स जब हमारी बात आती है कुछ खाने पीने पे खर्च करने की, कुछ लग्जरी पे खर्च करने की, तो हम बिल्कुल नहीं सोचते। हम सोचते हैं तब जब हमें कोई अपने काम की चीज़ खरीदनी होती है,
तो फ्रेंड्स ज़्यादा सोचिए मत और ये जो एजुकेशनल आइटम आपके लिए आरबी क्लासेस ने बनाया है इसे जल्दी से खरीद लीजिए और अपनी हार्ड वर्क को एक सही डायरेक्शन दीजिए, एक सही टाइम मैनेजमेंट दीजिए, क्योंकि सर ने आपके लिए बहुत मेहनत की है और सर की मेहनत तभी कारगर होगी जब आप उन सैंपल पेपर्स को खरीद कर उन्हें सॉल्व करेंगे। आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो सर को यकीन मानिए बहुत खुशी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स टीचर को भी तब बहुत खुशी होती है जब उनके स्टूडेंट्स जो है कुछ बहुत अच्छा कर जाते हैं। इसीलिए अपने टीचर को ज़रूर फॉलो कीजिए। फ्रेंड्स एक बात और आपको बता दूं कि अगर हम अपने टीचर को खुश नहीं रख सकते, अपने टीचर की बात नहीं मान सकते, तो यकीन मानिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। फ्रेंड्स हम लोग भी एक स्टूडेंट रहे हैं, मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ और मैंने अपने टीचरों को हमेशा रिस्पेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू सक्सेस का मतलब आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि आज का टाइम केवल हार्ड वर्क नहीं मांगता बल्कि स्मार्ट वर्क भी मांगता है। और ये दोनों चीज़ें कहाँ होनी चाहिए? सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, और वो सही डायरेक्शन केवल और केवल आपके टीचर ही आपको दे सकते हैं। इसीलिए अपने टीचर की इम्पॉर्टेंस को समझिए और अपने टीचर को ज़रूर फॉलो कीजिए, चाहे वो कोई भी टीचर हो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपने ज़िंदगी में तभी कुछ कर सकते हैं जब हम अपने टीचर को रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है और किस तरीके से अपने टाइम को पर्टिकुलरली मैनेज करना है। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, टाइम को ज़्यादा वेस्ट मत कीजिए और टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीखिए। और हाँ फ्रेंड्स सैम्पल पेपर्स ज़रूर खरीदिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वो सैम्पल पेपर्स कैसे लगे। फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कुछ फैक्ट्स के साथ। और हाँ फ्रेंड्स लास्ट में सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इसीलिए फ्रेंड्स सपने देखिए लेकिन जागती आंखों से देखिए ताकि उन्हें आप पूरा भी कर सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।